गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। ओके, सो ऐसे किस किधर किधर, मतलब जो भी अलग अलग ड्राइव्स हैं जो अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक ड्राइव्स जो हार्ड एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, जैसे रोलिंग मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स, क्रेन्स, पेपर मिल्स हो गया, मरीन ड्राइव रिलेटेड एप्लीकेशंस हो गए, या रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग होंगे, या शुगर फैक्ट्री। तो ये वैसी 7 स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्राइव जनरली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसमें जनरली क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म होना चाहिए, जो हाई स्पीड चाहिए, टॉर्क चाहिए और वाइडर चाहिए। ओके, स्पीड तो है लेकिन टॉर्क भी चाहिए। अब बोलेंगे आप, स्पीड और टॉर्क में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड टॉर्क। ओके, तो स्पीड क्या रहती है, स्पीड बेसिकली रहती है कि जो भी मोटर आप कनेक्ट कर रहे हो वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जो भी उसकी जो स्पीड है 5000 RPM, 6000 RPM, तो ये क्या है, बेसिकली उसकी स्पीड रहती है। लेकिन ये सब ये स्पीड है, लेकिन सपोज मोटर फिर घूम रही है और वो भी कितनी जगह पे रुक नहीं चाहिए, स्पीड तो हाई है लेकिन टॉर्क भी चाहिए। टॉर्क मतलब उसे लगने वाला जो पावर रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई भी चीज़ है वो रुकेंगी नहीं, वो घूमती जाएंगी। जैसे आपने ड्रिलिंग मशीन देखी होंगी, ड्रिलिंग मशीन क्या आती है, कितने भी हार्ड स्पेस आए लेकिन वो क्या करता है, अपना काम करना क्या रखता है, शुरू रखता है, वो कंटिन्यू ड्रिल होती है। तो मतलब एक क्या आता है, बेसिकली हाई पावर मोटर्स आती है। ओके, सो ये जो हाई पावर मोटर्स आती है तो वो क्या, उसकी टॉर्क स्पीड रिक्वायरमेंट क्या रहती है, हाई रहती है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे टॉर्क हाई चाहिए, वो जगह पे ये 7 जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिक ड्राइव्स यूज़ होता है। तो फर्स्ट उसमें है रोलिंग मिल। अब रोलिंग मिल में क्या आता है कि जो मिल्स मिलिंग का जो एप्लीकेशन आते हैं, जहाँ पे इंडक्शन मोटर वगैरह यूज़ करते हैं, जहाँ पे रोलिंग मिल्स रिलेटेड जो भी मिलिंग की जो एप्लीकेशन आती है, तो जगह पे वो रोलिंग मिल्स में अपन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बाद में क्रेन्स में यूज़ करते हैं। अब क्रेन्स क्या है, तो क्रेन्स में यूज़ होता है कि बेसिकली जो हाई टॉर्क और मतलब बहुत हाई रिस्की काम रहता है, वो जो भी क्रेन्स का काम रहता है, तो वो जगह पे भी अपन इलेक्ट्रिक ड्राइव यूज़ करते हैं। ओके, माइनिंग में भी यूज़ करते हैं। ओके, पेपर्स मिल्स में जो पेपर, ये जो बुक्स है, ये जो पेपर कटिंग का जो टूल्स आते हैं उसको बोलते हैं पेपर माइनिंग मिल्स। तो वहाँ पे भी, यहाँ पे पेपर मिल्स में भी उसकी रिक्वायरमेंट आती है। ओके, शुगर फैक्ट्री में, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स।